मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज चल रही है और दूसरी तरफ सरकार का बेटियों के हर संभव मदद का भरोसा दिलाती है, तो वहीं शासकीय सेवक बेटियों को आगे बढ़ने में रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं और हद तो तब हो जाती है जब कोई शिक्षक द्वारा छात्राओं को जबरन ही परेशान किया जाता है और अपने भविष्य के डर से ये बेटियां अगर शिकायत करना भी चाहे तो करे किससे, क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। तनिष्क में हमारे गहनों से सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, एक 150 साल पुराना सरनेम भी तो जुड़ा है, टाटा का। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट। दरअसल सागर शहर के पटकुई बरारू स्थित एक निजी कॉलेज में चल रहे बीएड सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के दौरान छात्राओं को डॉक्टर हरे सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय से आई पर्यवेक्षक प्रीति बाधवानी द्वारा जबरन परेशान करने का मामला मीडिया में सामने आया और जैसे ही हमारी टीम को इस बात की खबर लगी तो हमारी टीम मौके पर पहुंची और छात्राओं से बात की। इस दौरान छात्राओं ने बताया कि हमें प्रैक्टिकल के पहले से बताए समय अनुसार सुबह 10 बजे बुलाया गया था, लेकिन प्रैक्टिकल समय पर नहीं लिया गया बल्कि हम लोगों को शाम 7 बजे तक रोका गया। इस बीच ना तो हम लोगों को घर जाने को मिला और ना ही कोई खान पान की व्यवस्था थी और घर जाते वक्त भी काफी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि जिस जगह पर कॉलेज है वो एक ग्रामीण क्षेत्र और सुनसान एरिया है। वहीं एक अन्य छात्रा से जब हमने बात की तो उसने बताया कि प्रैक्टिकल देने आई कुछ छात्राएं प्रेग्नेंट भी थी तो कुछ छात्राओं के बच्चे छोटे थे, बावजूद इसके भी पर्यवेक्षक ने इनकी एक ना सुनी और इन्हें जबरन परेशान किया गया। देखिए, हम लोगों का प्रैक्टिकल था, सुबह 10:30 बजे का टाइम दिया गया था कि सुबह 10:30 बजे से आप लोगों का प्रैक्टिकल है, लेकिन वो हम लोग सुबह 11 बजे आ गए थे, तब से मैम आ रही हैं 1:30 बजे, उसके बाद हम लोगों के 1:30 बजे के बाद प्रैक्टिकल चालू हो रहा है, वो एक एक करके सब बच्चों का प्रैक्टिकल ले रही, अब हर बच्चे के लिए वो आधे आधे घंटे तक ले रहे हैं, वो इस वजह से सभी को बहुत ज़्यादा लेट, और जिनका प्रैक्टिकल हो गया उनको भी मैम ने रोक के रखा हुआ है, उनमें मैम देख रही हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, दूर से आए हैं, कुछ लोगों को 4-4 घंटे लग रहे हैं, कोई दमोह से आ रहा है, कोई देवरी से आ रहा है, उनको जाने में भी देर हो रही है, फिर भी मैम ये नहीं समझ रही थी कि बच्चों को देरी होगी, उनको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद भी हम लोग मैंने उनके साथ मैनेज किया, फिर भी हम लोगों को 7 बज गया था। अब आप देखिए कि आउट एरिया है कुरई वाला, हम लोग लड़कियां हैं, कैसे जाएंगे अकेले, अंधेरा पड़ रहा है, हम लोग को स्कूटी से जाना है, अगर रास्ते में कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है, मैम जिम्मेदारी ले रही है क्या उस चीज़ की? कॉलेज की आपकी टाइमिंग क्या थी ये प्रैक्टिकल? कॉलेज की 10:30 बजे की टाइमिंग थी। और आउट ऑफ टाइमिंग क्या रहती है सर? आउट ऑफ टाइमिंग मतलब कितने बजे खत्म होता है प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल 5 बजे तक, उसके बाद आपको नहीं लेना चाहिए, नॉर्मली हर कॉलेज का टाइम यही होता है कि आप 5 बजे तक लीजिए। कितनी छात्राएं थी जो कल इस प्रकार से परेशान हुई? सर बहुत सारी छात्राएं थी, हम ही लोगों के, हम लोग कल 6-7 लोग थे, उसके बाद भी मतलब हम लोगों को 7 बजा था, उसके बाद भी बैच में लोग सर 5 लड़कियाँ और थी, अब सर उनको जाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, अंधेरा पड़ रहा है, लड़कियाँ कैसे जाएंगी आप बताइए, इसमें मैम की गलती है, एक्सटर्नल मैम जो आई हैं उनको बोलना चाहिए कि बच्चे अगर नहीं हो पा रहा है तो वो कर लें, बल्कि कॉलेज के स्टाफ ने भी बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश की थी कि वो मैम से बोले, मैम से बोल रहे थे कि आप बच्चों को कर ले लीजिएगा, टाइम हो रहा है, लेकिन वो मैम मान ही नहीं रही थी। वहीं जब छात्राओं के परिजनों को इस बात की जानकारी लगी तो आनंद फानन में कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रबंधन को काफी खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद छात्राओं को घर लेकर पहुंचे, लेकिन इस सब के बीच छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर हमने कॉलेज की शिक्षिका से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे कॉलेज की तरफ से छात्राओं व पर्यवेक्षकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा लेने आई पर्यवेक्षक द्वारा उनके निजी कार्यों के चलते लेट किया गया, जिसका खामियाजा छात्राओं को भुगतना पड़ा। एक्चुअली सर प्रैक्टिकल की टाइमिंग है 10:30 जैसा कि हम लोगों ने रखा था, और वैसे सारी कॉलेजेस रखते हैं, तो 10:30 कॉलेज की टाइमिंग थी, बट क्या हुआ कि मैम को हो सकता है एक्सटर्नल जो मैम थी हमारी, हो सकता है उनको कुछ काम आ गया हो तो वो लेट हो गई थी समथिंग, उनका यहाँ आने का टाइम था 12 बजे है ना, तो जो स्टूडेंट सुबह से आए थे वो तो परेशान होंगे ही, क्योंकि वो 10:30 बजे से आए थे और 12 बजे से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट परेशान होंगे, शाम को 5 बजे तक प्रैक्टिकल रहता है तो बहुत टाइम हो गया था थोड़ा बहुत स्टूडेंट को, और आज भी जो प्रैक्टिकल है तो टाइमिंग वही थी 10:30, लेकिन हो सकता है उनको कुछ काम हो गया तो आज भी वो काफ़ी लेट हो गई आने के लिए,
सर देखिए, मैनेजमेंट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही है स्टूडेंट्स की, काफ़ी गर्ल्स हैं यहाँ पर, तो हो जैसा जो होता है, हमारे डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने काफ़ी कल लेट हुआ तो उन्होंने काफ़ी व्यवस्थाएं की स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको प्रॉब्लम ना हो यहाँ से वहाँ जाने में, लेकिन स्टूडेंट तो अगर टाइम ज़्यादा हुआ तो गुस्सा तो होंगे ही, ये तो नॉर्मल है ना, एक टाइम के अकॉर्डिंग अगर चीज़ नहीं चलेगी तो मैडम क्या है, ये गलती किसकी है, जो टीचर आना थी वो लेट हो गए, इस कारण से सभी छात्राएं लेट हो रही हैं क्या? जी सर देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर एक टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता और ओवर भी हो जाता तो स्टूडेंट गुस्सा नहीं होते, बट टाइम तो ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो फिर गलती तो देखा जाए तो मैम की ही है, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट हो जाता है, बट अब स्टूडेंट है तो वो तो अपना अल्टीमेटम देंगे ही आपको जो भी है। एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार जहां बेटियों को बढ़ाने की बात करती है तो वहीं इन्हीं के नुमाइंदे और शासकीय शिक्षक बेटियों को परेशान करने का काम करते हैं, जिससे न केवल इन छात्राओं के भविष्य पर प्रभाव पड़ता है बल्कि इसका प्रभाव समाज के हर एक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर पड़ता है। अगर ऐसे ही इन शासकीय शिक्षकों की धांधली चलती रही तो छात्र छात्राओं का शिक्षा के ऊपर से विश्वास कम हो जाएगा और आगामी समय में शिक्षकों की कमी हो जाएगी, जिसके बाद सरकार का बेटियों को आगे बढ़ाने का सपना एक सपना ही बनकर रह जाएगा। क्या नाम है आपका, यहाँ क्यों आई थी? मेरा दीक्षा तंत्रा है। यहाँ किस लिए आई थी? मैं प्रैक्टिकल देने आई। कल शाम को भी कुछ प्रैक्टिकल थे, मतलब कल प्रैक्टिकल थे, कल क्या घटना हुई है यहाँ पे? कल मैम ने हम लोगों को 10:30 का टाइम दिया था, तो हम लोग 11 आए थे कॉलेज और मैम आई थी 2, तो 2 के बाद हम लोगों का प्रैक्टिकल हुआ था जिसमें हम लोग 3 तक फ्री हो गए थे, लेकिन और भी जो और हमारे साथ वाले थे, हमारे फ्रेंड्स थे, उनका लास्ट रोल नंबर इवन मिडिल रोल नंबर था तो वो उनको 7:30 गया था, तो मैं भी मेरे फ्रेंड के साथ ही आती हूँ, तो फिर हम लोग 7:30 ही घर पहुँच पाए थे, और आज भी मैम ने बोला था कि आज 10:30 आपको आना है, लेकिन आज देखिए आप 12 गए हैं लेकिन मैम अभी तक नहीं आए हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने कहीं शिकायत की यहाँ कॉलेज प्रबंधन? शिकायत हम लोगों ने कॉलेज में ही मैम से बोली थी, क्योंकि वो लोग भी वहीं थे तो वो बोल रहे थे कि वो हमारे गेस्ट हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, एंड मैनेजमेंट मैम का खुद का था जो वाइवा एंड प्रैक्टिकल लेने आए थे, तो मैम भी स्टाफ भी सारा उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा था। तो आप क्या मानते हैं इसे लेकर गलती किसकी थी? मुझे लगता है ऐसे मैम की ही गलती है कि उनको एक प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखना चाहिए था, कितना समय प्रेजेंटेशन में लेना है एंड कितना समय उनको वाइवा में लेना है, और शिफ्ट बैच बाय बैच उनको रेगुलर बुलाना चाहिए था, कि जैसे कल फ्री हो गए थे जो प्रेजेंटेशन दे के, तो उनको होना चाहिए था कि वो वाइवा भी कल ही ले लेते, जैसे 90 हैं या 60 जितने भी बच्चे हों तो उनको बैच बाय बैच बुलाना चाहिए था, जैसे हम लोग कल भी आए थे, हम लोग का प्रेजेंटेशन हो चुका है लेकिन हम लोग का सिर्फ वाइवा रह गया, तो हम लोग आज फिर आए हैं और आज भी मैम अभी तक नहीं आए, हो सकता है कितना टाइम लगे क्या पता। तनिष्क प्रेजेंट्स द बेस्ट कॉम्बो ऑफर एवर, पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 25% तक की छूट, और साथ ही अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर 100% वैल्यू, तो आज ही अपने नजदीकी तनिष्क स्टोर जाइए। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट।